अग्नि मंत्र से पांच बार घी की आहुतियां अग्निदेव को समर्पित करेंगे और सब लोग स्वाहा के साथ बोलेंगे, ओम अयंतमय आत्मा जात वेदस्ते निधस्त वर्ग स्व चेत वर्ग है चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम ओम अयंतमय आत्मा जात वेदस्ते निधस्त वर्ग स्व चेत वर्ग है चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधय स्वाहा एवग्नये जात वेद से इदन्न मम ओम अयंतमय आत्मा जात वेदस्य निधस्त वर्गस्व चेत वर्ग है चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेद से इदन्न मम ओम अयंतमय आत्मा जात वेदस्य निधस्त वर्गस्व चेत वर्ग है चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेद से इदन्न मम ओम अयंतमय आत्मा जात वेदस्य निधस्त वर्गस्व चेत वर्ग है चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेद से इदन्न मम ओम अयंतमय आत्मा जात वेदस्य निधस्त वर्गस्व चेत वर्ग है चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेद से इदन्न मम बोलिए यज्ञ देवता की हवन देवता की अग्नि देवता की पूरे ग्राम बस्ती की उपस्थित सभी नर नारियों की अपने माता पिता की गौ माता की जल प्रोक्षण मंत्र से अग्नि देव को हम लोग जल का सिंचन करेंगे पहले पूर्व दिशा में फिर पश्चिम दिशा में फिर उत्तर दिशा में फिर हम चारों दिशाओं में अग्नि का सिंचन करेंगे तो आइए मंत्रों के साथ जल प्रोक्षण मंत्र से ओम आदिते अनुमन्यस्वा गिराते हुए ले जाना पूरा भिगाते हुए भिगाते हुए पूरा ओम सरस्वते अनुमन्यस्वा उसको ना था छोड़ दे अब ले इधर लाना है मंत्र बोलने तो ओम देवा सरित प्रसुवजम प्रसुवज भगाय तुपो गंधर्व के तपो केतम न पुना तो वाचस्पति वाचम न सुदतो जल प्रोक्षण इसलिए करते हैं कि अग्निदेव में बहुत आगत है इसलिए जहां भी आग रहे अग्नि रहे वहां पानी रखते हैं और एक जल का सिंचन करके एक सीमा बना करके और अग्नि देव को वही अपने स्थान में सीमित रह करके और उनके जो भी शक्तियां हैं लाभ है उसको हम प्राप्त करने का इधर नहीं लाना वहीं पर ओम